एक तरफ 23 जून को पटना में मीटिंग हो रही है विपक्षी दल की, विपक्षी एकता की बात चल रही है, दूसरी ओर बीजेपी भी फुल फॉर्म में है। केशव मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि विपक्षी एकता जो है वो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है, और दूसरी ओर बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों में भी लगी हुई है। बीजेपी ने शुरू कर दिया है फॉर्म भरवाने वाला अभियान। जी हाँ, सांसदों को भरना पड़ेगा एक फॉर्म, बड़ा सा फॉर्म है जिसमें 2 पेज का फॉर्म है, 3 पेज का डिस्क्रिप्शन है, बहुत कुछ कहा गया करने के लिए जो एक सांसद के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या क्या तैयारी कर रही है बीजेपी और सांसदों से क्या क्या काम मांगा है वो हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कहा है अपने सांसदों से कि भैया एक फॉर्म भी भरिए, और इसमें क्या क्या होगा ये बहुत बड़ी बात है। इसमें करना ये है कि 100 जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी एक सूची देनी है, उसके साथ ही इन लोगों का एक सूची देनी, इसके अलावा इन लोगों का एक सम्मेलन भी करवाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अपने लोकसभा क्षेत्र से ही इन 100 लोगों की सूची देनी है और उन्हीं लोगों का सम्मेलन करवाना है, और साथ ही साथ पार्टी को ये भी बताना है कि ये लोग कैसा लिखते हैं, क्या ये बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं, बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं या बीच बीच का लिखते हैं, ये बताना है। इसके अलावा 1000 विशिष्ट लोगों की सूची बनानी, इसमें कौन कौन हो सकता है, इसमें पद्म पुरस्कार विजेता हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, शहीद परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं, और इनकी लिस्ट जो है वो भी भेजनी है। साथ ही 40-50 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनानी है, और बड़ा टास्क ये है कि ये 40-50 कार्यकर्ता जो हैं वो रोज नए 40-50 आदमियों से मिलेंगे, और इसकी जिम्मेदारी सांसद साहब की है, और वो इसका पूरा एक रिपोर्ट बनाएंगे और भेजेंगे, और इसके बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बीजेपी बनाएगी, और उस पर सांसदों का पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसकी बड़ी भूमिका होगी टिकट देने में और टिकट कटने में। अगर सांसद जो है अच्छा काम नहीं करते हैं, वो इस तरीके के भूमिका नहीं दिखाते हैं, उनकी सक्रियता नहीं होती है, तो उनके टिकट पर खतरा भी हो सकता है। जी हाँ, बीजेपी इसके लिए हमेशा जानी जाती रही है, वो एक तरीके से कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए भारी मात्रा में टिकट काटती रही है, चाहे वो सांसदों की बात हो चाहे विधायकों की बात हो, नए चेहरों को मौका देती रही। ऐसे में जो पुराने सांसद हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपना टिकट बचा सकें, और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके ऊपर ये सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या उनका टिकट रहेगा, क्या उनका टिकट बचेगा। फिलहाल बीजेपी बिल्कुल ही एक्शन मोड में दिख रही है, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार सक्रिय है, और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए 2024 के चुनाव में और भारी प्रभाव डाल सकती है, और अगर लोकल लेवल पर यह प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए टैकल करना मुश्किल होगा। हालांकि विपक्ष विपक्षी एकता की बात कर रहा है और बीजेपी अपने तैयारी में जुटी हुई है। वहीं अगर हम बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो गठबंधन की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर रही है, इसमें राजभर, केशवदेव मौर्य जैसी पार्टियां जो भी बीजेपी में नहीं शामिल हुई हैं उन पर बातचीत चल रही है, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे। दूसरी बात ये भी चल रही है क्योंकि निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में बीजेपी को 2024 में बहुत मुश्किलों का सामना करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या विपक्षी एकता बनेगी और क्या बीजेपी के सांसद जो लिस्ट बनाएंगे उससे बीजेपी का फायदा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब शायद भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।